यो व्हाट्स अप बॉयज, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू द ब्रांड न्यू लुक। तो अभी सुबह के बजने में क्या था, 6:30 बज गए, ये देखो आप टाइम लोग। तो भाई आज के वो लोग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, जिसने अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ना। हम लोग जा रहे हैं बाय रोड कराची टू इस्लामाबाद, वही बाय कार से ना। तो बाबा ने कहा कि हम 6 बजे तक पहुँच जाएंगे इस लाहौर तक, तो मतलब बहुत तेज़ गाड़ी चलाने वाले हैं बाबा। तो अभी चलते हैं हम लोग। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, अभी ना बस गाड़ी मैंने निकलवा दी गई रात से, वो देखो दरवाज़ा भी खुला हुआ और ये हमारी गली ही थोड़ी साइड का पीछे गार्डन में है, तभी और मज़ा आता है। सही है, अल्लाह हाफिज। सही है, अभी हम लोग चलते हैं। सही है, अल्लाह हाफिज। सही है, अभी हम लोग जा रहे हैं और गाड़ी में सारा गाने बजने की आवाज़ अभी भी आ चुकी है। और एग्जाम्पल के और आपको हाईवे पे दिखा दूँ, अंदर हो जाओ। चलो भाई तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है हम लोग की ना, और अभी हम लोग आ चुके हैं होटल पे, और ये रहे हमारे भाई, जल्दी आओ यार। सही है, बंद हो गया। सही है, अभी हम लोगों की सुबह हो चुकी है भाई, यहाँ हम खाना खाने के लिए रुके हुए, थोड़ा सा स्टे लेने के लिए ना। फिर वो ढाबा नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, वहीं बैठ गया थे बाबा। चलो गाड़ी लॉक नहीं हुई, लॉक कर लेंगे। हाँ, गाड़ी भी लॉक हो गई है भाई। अब खाना खाते हैं फटाफट से, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे तो। ये पानी पी लेता हूँ। हम लोगों ने बस ये पराठा मंगवाया था, वो रहे हो बाबा खा रहे हो उसको। ये केक हम लोग घर से लेकर आए थे, और दूसरी बात ये आले पापा, बस इतना ही लेकर आए थे हम घर से। और सारा वॉशरूम भी वहाँ पर है, और वो आ रहा मेरा भाई छोटा सा। और वो एक और हम लोग जहाँ रुके हुए हैं वो है सुपर मदीना मार्ट, बस हमें दूर फेंक रही हूँ, दूर जाके बैठ गए। तो गाइस खाना खा लिया, पर हम गाड़ी के लिए बैठे हैं। खाना अच्छा था, सूप अच्छी थी, बस चाय अच्छी लगी थी हमें तो, पराठा इतना अच्छा नहीं था। क्यों, पराठा वराठा सब अच्छा था, ये तो बहुत मज़ा आया। मैंने 2 पराठे खाए थे, मैंने तो एक भी नहीं खाया, मैंने तो आधा खाया था, आधा या एक समझ लो। सुबह हम लोग पाकिस्तान टूर के लिए निकले थे, सोच रहे थे कि तकरीबन 4-4:30 बजे तक घर छोड़ दें, तो होता ये तकरीबन 7 से 8 तक हम लोग इस्लामाबाद पहुंच जाते, लेकिन हुआ ये कि हम लोगों को सुबह 7 बज गए निकलते निकलते, तो इस्लामाबाद जो डेस्टिनेशन था पहला वो हम नहीं पहुंच सकते, तो हमने सोचा लाहौर स्टे करेंगे। तो 7 बजे हम लोग निकले हैं, इस वक्त रानीपुर क्रॉस कर दिया हमने, और सक्कर मोटरवे बहुत करीब है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला देखते हैं, मेरा ख्याल है 5 से 6 के जब हम लाहौर पहुंच जाएंगे फिर कल सुबह निकलेंगे। तो हम लोग जो पहली डेस्टिनेशन अब लगाएंगे वो इस्लामाबाद की जगह हम फुरपन पे करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला अभी लाहौर पहुंचते हैं, तो बाकी आपको फिर बताते हैं। अंदरूनी सिंध का जो मौसम है बहुत गर्म हो रहा है, बाहर जो है ना तकरीबन 39 डिग्री चल रहा है, सख्त गर्म है। कराची तो वाकई में इस वक्त बहुत अच्छा है, हवा आलूद है, सारा ठंडा मौसम है इस वक्त, तो बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर। और हमने नाश्ता भी नहीं किया था सुबह, तो हमने हैदराबाद और हाला के दरमियान एक जगह के ऊपर नाश्ता किया, पराठे अच्छे थे वहाँ के, चाय भी अच्छी थी। उसके बाद हम बस ड्राइव कर रहे हैं कि बस डायरेक्ट जो है ना लाहौर पहुँचे जल्द से जल्द।
अभी शक्कर पे आए, अभी शक्कर आने ही वाले हैं। 55 किलोमीटर रह गया था, फिर 10 किलोमीटर हमारा वो होगा मोटरवे का रास्ता। अच्छा आप लोगों को एक चीज बड़ी खास बताता हूँ, ये गाड़ी मैंने जो ना करोला जो 1.6 एल्टिस अभी लिया और सिर्फ इस टूर के लिए ही लिए कि इस पर जाने के लिए पूरी फैमिली को लेकर के, तो इसका एवरेज जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप शहर में चलाएं तो शहर में तो आपको ये दे देगी तकरीबन अंडर 10 दे रही है, लेकिन अगर आप इसे हाईवे पे चला रहे हैं ना तो तकरीबन आप समझें कि ये 13 से प्लस 15 साढ़े 15 14 साढ़े 14 इस तरह ये दे रही है, तो पेट्रोल एवरेज के लिहाज से बिल्कुल सही लग रहा है कि एवरेज के हिसाब से भी गाड़ी बिल्कुल अच्छी है, कंफर्टेबल तो है ही। एल्टिस ये 2022 का मॉडल है, अच्छा रहा इसका एक्सपीरियंस मुझे। शक्कर मोटरवे स्टार्ट हो गया है और 7 बजे हम लोग घर से निकले हैं नाजमाबाद से, तो इस वक्त टाइम हो रहा है 2 बजे और हम इसी वक्त जो ना शक्कर मोटरवे पे चढ़े, तो समझ लें कितना टाइम लग गया हमें यहाँ पर पहुँचते पहुँचते, तो बस देखते हैं अब लाहौर भी कितनी देर में पहुँचते हैं। ये तकरीबन 20 मिनट से गाड़ी ड्राइव हो रही है और मैं आपको वही एवरेज दिखाना चाह रहा हूँ इसका, 130 पर इसकी स्पीड है और 13.5 ये एवरेज दे रही है, 13.5 से नीचे नहीं आ रहा, ये ऊपर भी चले आता है 13.876 लेकिन 5 से नीचे नहीं आ रहा है, तो एवरेज के लिहाज से तो बेहतरीन है। और आपको टेम्परेचर भी नज़र आ रहा होगा इसका, 39 डिग्री चल रहा है इस वक्त यहाँ पर शक्कर में। कितनी स्पीड आ रही है सर? नजर नहीं आ रही सर। 137 माशाल्लाह, चलान कट गया भाई 137 की स्पीड पर मोटरवे के ऊपर। पिक्चर आप भी कहीं के बात ही नहीं। तो गाइस आप ये देखें, हमारी पप्पू ने यहाँ पे गिफ्ट भेजा है, जब हम लोग यहाँ पर आए थे डेजर्ट्स और आइसक्रीम से, यहाँ पे लावा केक भी है इसमें, जो कि अभी हम माइक्रोवेव करवाएंगे आपको, अभी आपको खोल के दिखा रहे हैं सारे, बाकी बस ये दो सेम है, बाकी सारे भी सेम है बस, और ये आइस है जो कि मेल्ट हो गई नहीं आते आते। ये मेरी बहन ने लावा केक विद आइसक्रीम भिजवाइए इस होटल में हमारे पास डायरेक्ट गिफ्ट, हम यहाँ पहुँचे और विद इन अ हाफ एन आवर ये हमारे पास आया, बोल रहे कि ये है लाहौर की सबसे बेस्ट लावा आइसक्रीम होती है, लावा केक एंड आइसक्रीम वगैरह जो भी कहते हैं इसको, तो थैंक यू माय सिस्टर। ये बहुत अच्छा हो रहा है वैसे, ये इसमें इट्स अ लवली बाइट। अच्छा हो रहा है, थोड़ी मेल्ट हो गई है क्योंकि काफ़ी देर से आई हुई है ना, केक को हमने माइक्रोवेव भी कराना था थोड़ा सा लावा केक को, तो उसके नाले थोड़ा सा मेल्ट हो गई, लेकिन टेस्ट नो डाउट बहुत अच्छा है। तो गाइस आज का डे वन कंप्लीट होता है, मिलते हैं कल, क्योंकि आज हमारा दिन बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी में रहा है, बहुत लंबा भी हो गया था, 12:15 बजने हैं, सोने का वक्त आ रहा है, बहुत शदीद नींद आ रही है, सब सो चुके हैं, तो अब देखते हैं कल बाबा ने क्या सोच रखा है हमारे लिए, और अभी भी प्लान कर रहे हैं, और मिलते हैं आपको कल नए टारगेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।